ओबीसी के चयनित अभ्यर्थी डीपीआई के सामने धरना पर। जी हां, आपको बता दें, सुंदरकांड हनुमान चालीसा के बाद भी नहीं जागी डीपीआई, अब करेंगे अनशन। आपको बता दें, नियुक्ति दो या मुक्ति दो के नारे लगाते अभ्यर्थी विगत 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने ओबीसी 27% आरक्षण के बाद चयनित पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने से डीपीआई के सामने बैठे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने पहले हनुमान चालीसा सुंदर कांड किया, इसके बाद भी डीपीआई से कोई जवाब नहीं मिला तो इनके सब्र का बांध टूट गया और अब अनशन की घोषणा कर दी है। क्या है इनका मामला? तो उनका तो एक ही कहना है कि भाई ये कोटा सिस्टम, लेकिन कोटा सिस्टम हम सरकार नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि कोटा सिस्टम कैसे है भाई, जब 10% की ईडब्ल्यू एस है उनको आप आरक्षण देखिए, वो भी तो 50 के अभाव जा रहा है, वो भी तो 60% हो रहा है, तो हम एक ओबीसी वालों को क्यों आपने स्टे करके रखा होगा, ये भी तो 50% जा रहा है ना, ये तो वो तो कोर्ट से स्टे किसने लिया, कोर्ट से स्टे किसी ने नहीं लिया। कोटा से क्या हुआ है कि जब पहले प्रक्रिया चालू हुई तो कुछ लोगों ने लगाया, तो ये लोग कोटा से ही हवाला दे रहे हैं। पिछले सरकार में वो 27% आरक्षण किया था जी, उसके बारे में आपका क्या? पिछली सरकार ने 27% आरक्षण किया है, तो हम तो चाह रहे हैं कि ओबीसी को 27% ही आरक्षण मिले, क्योंकि यहाँ लगभग 52% आबादी है ओबीसी को, तो हमको तो उसके अनुपात में बहुत कम आरक्षण मिल रहा है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो हक और अधिकार है उसे दिया जाए। अभी आपका धरना से पहले अभी सुंदरकांड चल रहा था, ये कब से चल रहा है? कल चल रहा था 12 बजे, है ना, और ये हमारा 11 दिनों से लगातार धरना चालू है आज, और हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे भी धरना। विभाग की ओर से कोई चर्चा करने आया आपके पास? जी चक्रवर्ती जी, अभी आपका अगला कदम क्या होगा? यदि देखिए सर, आज 11 दिन हुए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, ना कोई हमारी सुन ले रहा है, ना कोई यहाँ मिलने आ रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो कल से हम लोग आमरण अनशन के लिए भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर आपके? लगभग हम 2000 लोग हैं जो कि अनशन के लिए तैयार हैं, आमरण अनशन, या तो सरकार को नियुक्ति देनी पड़ेगी या फिर मुक्ति देनी पड़ेगी। शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने सुंदरकांड करके इस वर्ष भी प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें नियुक्ति देने के लिए इस विभाग को और इस सरकार को सद्बुद्धि दे। आज इस मांग को लेकर के यहाँ पर 11 दिन से यहाँ पर निरंतर बैठे हुए हैं, और इनकी इसके बाद भी विभाग की ओर से अभी तक इनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, ना विभाग की ओर से कोई आया है, और ये लोग निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं। SS News 24 चैनल के साथ हरभजन जांगड़। एक से बढ़कर एक ताज़ी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।